1911 सन में 15 अगस्त जन्म दिवस उस खाकी चुनने काल में नीचे शक्ति प्रवेश हुई थी और भारतीय नगरी रैली बड़ी बड़ी अलौकिक और बाहर विश्व में बड़ी साधारण राजनीतिक पेश अपना जीवन उन्होंने आपके शब्द रूप से ही कई अगर जीवन आप धीरे धीरे उन्होंने शरण चाहे उन्होंने सार्थक किया सब कुछ कहते हुए कि संसार के बीच जीव आता है माँ बाप के हिंदे दोस्त कोई भी परिवार होता है लेकिन सत्पुरुष जिस मिशन वास्ते आता है उस मिशन में जीवा का कल्याण करना जिन्हें उस बालक की तलाश के रूप से बैठे हुए ने विधा के रूप से बैठे हुए हैं उन्होंने याद कर दिया गई ने उन्होंने लैन वास्ते सत्पुरुष ने शब्द में चोला काम करना पड़ता है और उसका नाम ही सतगुरु होता है महाराज जी अगर दिन भी देखी गए तो महाराज जी जो बहुत बड़े थे जिसका आत्मा जितना नाम पास लगती है उतना इन चीजों पर सेल्फ कंट्रोल हो जाता है शांत कर जाता है और मुक्त कोशिश में किया जाता है मुक्ति इन्हें नहीं कहते कि तुम बस जल्दी होना जीवत मुक्त कर दो जीवत मुक्त क्यों कर देते कि सब कुछ होने आ रहा ही प्रजन चीज वाले अटैचमेंट ना हो उसमें जीवन मुक्त कर दो जेगा गर्मी में चलती जिस भी सुख दुख देने सतगुरु रखे तुम उसका पाना मान के चलो हाय हाय ना करो ज्यादा खुशी आ जाए तो अपने आप को बाहर ना हो इसमें मुक्ति करने लगी है मुक्त करे इसमें किसी का किसी चीज की संयुक्त नहीं पारग्रह का नाम देना है और घरे का है हम पारग्रह देश के ना है ये सारे शरीर के अंदर जिन्हें प्यार दिया कई कहना देना एक खोल दे दूसरी खोल दे तीसरी खोल दे तो फिर बड़ा ट्रांसपेरेंट किया प्यार दिया के अंदर बड़ा सोच साफ इस सारे शरीर में उनकी जड़ की सुमन कर देना कदासी जी जिन्हें सुमन कर देंगे तो वो चले अपनी आत्मा को शरीर का पर्दा हटा देंगे और स्थूल पर्दा उतर जाना है और सुमन करते करते जब आत्मा इतने आके खड़ी हो जाएंगे तो वो सुन भी है और जो दूसरे में मन खप रहा है तो एक दिन में सुनते सुनते जब तो सतगुरु की कृपा लाल की बुद्धि जा जाती है तो वह मन का पर्दा उतर जाना है सूक्ष्म पर्दा उतर जाना है और जब लोग सुबह आत्मा सतगुरु की कृपा लाल बंदी करती है तो बुद्धि को पार करके कार्बन देश जानती है तो इतने सूक्ष्म पर्दा उतर जाता है काम पर्दा जरा अस्तून सूक्ष्म और तीसरा काम पर्दा उतर जाता है उस तो नाल वो आत्मा जो कहते लोग मेरे हंस मर जाती है मोती चुप दी है यानी अंदर को सिर्फ आत्मा रहती है निर्मल आत्मा इतने कार्बन का नाप लाती है यानी शब्द में चुनती है और अंत संसार को संसार के चर्चिता को संसार के दुखा तो देखो कितने दुख में संसार तुम्हें कभी देखे भजन करते हो जीवन में दुख आ रहे हैं बड़े बड़े क्यों क्योंकि यह संसार जरा रिश्ता है रिश्ते के दुख क्योंकि कोई भी किसी का मित्र नहीं है सब अपने ही मित्र बच्चे लगे हुए सारे किसी में ये नहीं है कि मैं दूसरे के बारे में सोचा इस करके संसार सारे दुखी जब लोग सतगुरु में प्यार करती है उनकी भक्ति करती है सतगुरु कह रहा है शब्द जो भी अंदर कहीं हो रही है उस बार कोशिश ही होती है कि कोई चंदा ना हो कोई लड़ाई ना हो कोई पॉलिटिक्स ना चले कोई ये ना हो कोई वो ना हो यानी और सफाई करने के लगी रहती है और अपने अंदर मार्ग
सिवाय सफाई दे और उसके सिरों पर पड़ती दे तो कुछ नहीं मानती, इतनी निर्मल हो जाएगी, इतना निखारा जन है कि न हर देखन को आरसी संगम भरे चढ़ी लखा सूचे प्यारे अवस्थ को पूरी हुई लग। अगर तुझे उस मालिक में देखना है तो तुझे संता बन के देखो, जेरे दिन रात उस मालिक में बंदगी कर देता है। मेरा शरीर एक शीशा हो और दिल तुम जुटी दे के अंदर अपना निरामी रूप दिखाने में तुम देख लो तो सीधी अपनी चीज तो परमात्मा है या बंदा। जब तुझे अंदर उन्होंने देख दो तो बंदा मौला बनाया जी आया जग जगाया। अगर ऐसे सारे के ना आता सामने ऐसे डॉक्टर देखे तो भी मैं डाटे तो भी किसी ने कम देखे तो चलो मैं चंडीगढ़ में जगा। असी संत देखे असी सदगुरु देखे जिन्होंने की सामने उस मेरा कार शक्ति के नाम मिलाया। इस करके असं सदगुरु में मानते हैं असं रब में नहीं मानते। रब ने जी चीज अभी देखी नहीं उसमें की लगे कभी डेफिनेशन डिफरेंट है बिल्कुल। तुम रब को मूर्ति पर देख दो, किताब पर देख दो, मंदिर पर देख दो, गुरुद्वारे देख दो। अगर देखना है तो किसी दीन में प्यार करो, किसी दुखी की मदद करो, किसी बीमार का हाल पूछो। लेकिन मालिक सच्चा जरा है अगर स्पष्ट देखना है अपनी अखा ना तो सतगुरु में देखो। सतगुरु खुद उस मालिक परमेश्वर। इस करके पार बनता है नाम करवा जबानदा जीव करो और मुक्ति देता है और जब जीव चोला छोड़ता है तो उठे ही सहाय है उसका उसका कर्मा का जरा जो भी लेखा जो भी फाइल पूरी है उसे सब कुछ आख खड़ा है। जिन्हें ज्यादा कोई मुकदमा पेश होगा मजिस्ट्रेट के सामने जो किसी वकील किया है तो नरम देने दो तो बहस करेंगे लोग सब कुछ वो वकील अपने आप का केस फाइल कर रहा है। इस तरह सदगुरु कहता ऊपर उस मार्ग के पैदे कभी सहायता करता है कभी दमन करता है और तुम अपने नाम बुलाता है। सकल दुख का डेरा पन्ना संत मुख लाई। सकल दुख का डेरा पन्ना संत दुख भी अंदर ही है और खुशी भी अंदर ही है। सोचन चिंतन जिस तरह का अभी करते हैं उसी तरह ही सदे पे उसका अभाव आता है। सतगुरु ने देख लिया जो डॉक्टर को जानते हैं शरीरिक बीमारी दूर हो जाती है। सतगुरु को जानते हैं सानू उसके पानी च रहना आ जाता है। सारे दुख सदे मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं दसो तुम? क्योंकि असं गुरु की शरण पकड़ लगे। सतगुरु असं तेरी शरण पकड़ ली, असं तेरे चरणों की तोड़ अपने मत्थे ते ला ली है, साडे दुख सारे खत्म हो गए। सानू कोई मुसीबत पै जाती है तुहानू कोई कहिंदा भी है तेरी मुसीबत क्यों फलाना बंदा तेनू कर सकता है वो किसी की मजाल नहीं तेन कहते। तुम उसके को जाते उसे विश्वास ना और तुम तसली देंगे कि मैं तेरी हेल्प करांगा तेरी मदद करांगा। तुम अपने अंदर होकर विचार करो कितना तुम बोर जरा लेकर जा रहे थे कितना हल्का होगा। यह मेरा आदमी काम कर ही देगा, यह मेरे पावड़ों में चौंक कर ही देगा। सतगुरु जी जब असि साढ़े अंदर उसका प्रेम उसका नाम बस जाता है और सतगुरु की तकी जाग जाती है जिसके अंदर असि ब्याह करके देखते हैं कि साढ़े अंदर जरा सब मेरा दुश्मन है कहड़ा है अहंकार काम क्रोध मोह मोह जड़े ने तो है ही बड़े दुश्मन लेकिन अहंकार एक ऐसी चीज है जरा कि मार्ग में बिल्कुल पसंद नहीं। क्योंकि अहंकार के नाल मालिक का चिंतन मालिक का प्रेम दूर हो जाए।